तो आज ही इस श्रृंखला में महाराज जी अपने आदेश जो भी हमको देंगे, हमें अपने जीवन में किस तरीके से हमारे को लेके चलना है, अपने जीवन में उतारना है। महाराज श्री से प्रार्थना कि आज का कार्यक्रम वो शुरू करें। महाराज श्री शुभ कार्य करने से पहले हमको जो भगवान के परम भक्त हैं गुरु परंपरा को पहले प्रार्थना करना चाहिए। तो सब मिलकर पहले गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितामेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दमदर स्वामी नामिने। नमो सद्भक्त मने मणिपुर उद्भवे च प्रभुपाद दर्शत वाणी प्रचार निरतायति। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी शिवोर भक्तवृंद। नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरकुशे नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पददेवी सत्यभक्ते नमः नमः। अथो नत्वा मंत्र गुरु गुरुन भागवत आत्मदान व्यासान जगद्गुरु नत्वा ततो जय मुदिरै। नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो हम लोग बंगाल से आया है, प्रभु जी ने बोला। तो बंगाल जो है वो गंगा किनारे एक स्थान है, आप लोगों को पता होगा शायद, नवद्वीप धाम बोलता है। गंगा किनारे नौ द्वीप है जिसको बोलते हैं नवद्वीप धाम। आप अगर कलकत्ता के पास ही है कभी भी गए होंगे तो सुने होंगे। तो गंगा ने जैसे भगीरथ महाराज जब गंगा को लेके आ रहे थे वहाँ पे, जब गंगा एक्चुअली स्वर्ग से आई है गंगा, गंगा तो पहले वामन देव का पथ का नक्श से निकली है और स्वर्ग में थी, वहाँ से भगीरथ जी महाराज लेके आए हैं। तो पहले जब वहाँ पे पहुँची नवद्वीप धाम, गंगा बोलते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, बोलते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगी? यहाँ पे मेरा प्रभु आएंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बोला मेरा पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा, तुम तो पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा सागर है वहाँ के पास में, तो इसलिए आए हो। तो मैं नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी करके घुमा तो नौ द्वीप बना, जहाँ पे वो नवद्वीप धाम में कृष्ण स्वयं इस युग में कृष्ण चैतन्य के रूप में आके नवविधा भक्ति का लीला किया, तो उसको बोलते हैं नवद्वीप धाम। तो उस नवद्वीप धाम में हमारा एक सेंटर है जिसका नाम है श्री चैतन्य सरस्वत मठ। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्री चैतन्य सरस्वत मठ। श्री चैतन्य सरस्वत मठ का वर्ल्ड वाइड में 145 तो सेंटर है। तो यहाँ पे वृंदावन में है, मथुरा में है, पुरी में है। तो हम एक्चुअली PhD कर रहा था IIT खड़गपुर में, तो उस टाइम में हमारा जो गुरुदेव वहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस था उस टाइम में IIT खड़गपुर में कॉन्फ्रेंस था कि अभी विज्ञान में ये है कि बायोलॉजी बोलते हैं सब्जेक्ट, आप लोग सुने होंगे जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में वो लोग बोलता है जो जीवन जो है केमिकल से बना है, जीवन कुछ नहीं है बस केमिकल से,
ठीक है। तो अगर एक आदमी बुरा हो गया, बहुत आदमी बहुत काम किया, कौन मिनिस्टर था, कौन पुलिस कमिश्नर था, कौन बड़ा बड़ा पोस्ट पे था, लेकिन अभी वो बुरा हो गया है, अभी वो मरने वाला है, तो आप सोचोगे वो केमिकल है, ठीक है। तो वो लोग बोलता है हम केमिकल रिएक्शन कर सकता है कि नहीं उसके साथ, अगर एक इंजेक्शन दे देगा तो आराम से वो मर जाएगा, ठीक है। तो हमारा बर्डन चला जाएगा उसको इतना देखभाल करने का, इतना कुछ करने कर सकता है कि नहीं। जिसके ऊपर वो कॉन्फ्रेंस था उसका नाम था एजिंग एंड डाइंग। हम लोग सब ओल्ड एज की तरफ जा रहा है और मौत की तरफ जा रहा है, तो उसको हम ऐसे कर सकता है कि नहीं। तो हमारे गुरुदेव ने वहाँ आके वैज्ञानिक भाषा में ये समझाया, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। भगवद गीता का पहला शिक्षा ही यही है, जो भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन का जो आलाप हो रहा है, पहला शिक्षा कृष्ण ने यही दिया कि अर्जुन तुम पंडित जी से बात कर रहा है, पहला चीज तुम नहीं जानते हो कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो। देहिनो यस्मि यथा देहे कुमरम यौवनम जरा तथा देहांतर कप्ते दीर्घतत्वनम। मतलब आप अभी इतना समझो कि आप आत्मा हो, पहला चीज वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इतना जो वर्ल्ड में जितना भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ, कुछ ना कुछ धर्म आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ धर्म मिलेगा, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, ज्यूज हो, बौद्ध हो, कुछ ना कुछ टाइप का, डिफरेंट टाइप का आपको रिलीजन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आदमी का नेचर ही ऐसा है कि वो सोचता है मैं कौन हूँ, ये पहला चीज। अगर आदमी का जीवन कैसे शुरू होता है पता है, वेदांत सूत्र बोलता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको मनुष्य जन्म मिला है, पहला चीज आप ये पूछो मैं कौन हूँ, ये दुनिया किसने बनाया, उसके साथ मेरा क्या संबंध। कोई भी एजुकेशनल सिस्टम में ऐसा अध्ययन आजकल नहीं होता है क्या, उनको सिर्फ पढ़ाया जाता है आप लोग शरीर हो, बस शरीर को देखभाल करो, बस हो गया आपका काम, पैसा कमाओ, शरीर का मतलब कैसी रूम में रहो यही चीज है, अच्छा से अंडे खाओ, संडे और मंडे रोज खाओ अंडे, यही तो होता है ट्रेनिंग। देखो एडवर्टाइजमेंट भी आता है अंडे खाने से आपका बहुत अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, ट्रेनिंग शरीर को कैसे अब अच्छा, ठीक है। अभी आदमी का शरीर बहुत ही अच्छा है, सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट में उसका मौत हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं आज तक गारंटी दे सकता है नेक्स्ट मोमेंट में मेरा मौत हो सकता है। परीक्षित महाराज को ये पता था, वो फॉर्चुनेट था, वो भाग्यवान था कि उसको ये पता था 7 दिन के बाद उसका मौत होने वाला है, लेकिन हमारे पास ऐसा भाग्य नहीं है कि हम बता सकते हैं कब हमारा मौत होगा, ठीक है। तो इसीलिए शरीर इतना अच्छा है, नेक्स्ट मोमेंट में बोलते हैं आदमी चला गया, बोलते हैं ना आदमी चला गया, आदमी को क्या था वो चला गया, आदमी का अंदर क्या था वो चला गया, आदमी का आंख है, कान है, सब कुछ है, मूर्त शरीर को देखो सब कुछ है, लेकिन क्या चला गया, जो शरीर को जो चला रहा था वो आत्मा चला गया, आत्मा चला गया। आत्मा होने का क्या सिम्टम है, क्या उसका पहचान है, शरीर में आत्मा है इसका क्या पहचान है, उसको बोलते हैं चेतना। जैसा सूरज है, भगवद गीता में बोलता है सूरज को जैसे आप सूरज का किरण से बोल सकते हो, आप सोए हुए हो आजकल तो लोग घर में सवेरे भी सोता है, सवेरे होने तक सोता है, पहले तो 3 बजे 4 बजे उठ जाता था, पहले का सिचुएशन अलग था, आजकल क्या होता है लोग जो है 7-8 बजे तक सोता है, जब सूरज आते अरे सन केम, सूरज आ गया बोलता है, ठीक है। कैसे पता चलता है, सूरज का किरण से पता चलता है, ऐसे ही आत्मा का पता चलता है चेतना से, चेतना जब है तो शरीर में आत्मा है, चेतना नहीं है तो आत्मा नहीं है। शरीर में कोई भी अगर मतलब स्थान में अगर चेतना नहीं है तब बोल सकते हो मृत शरीर, ठीक है। अगर शरीर में चेतना है तो आत्मा है, ठीक है। ये तो ये चेतना क्या वस्तु है, चेतना सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है, आत्मा का जो चेतना है वो खूब ही इम्पोर्टेंट वस्तु है। तो पहले अगर आप चेतना को समझने की कोशिश करोगे तो ये आ जाता है बात, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, आपका सोच है, आपका इच्छा शक्ति है और फीलिंग है, नहीं ये जो माइक है उसका सोचने का काम करता है क्या, नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, उसका कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन हर एक जीव का
बैक्टीरिया से लेके माइक्रोब से लेके एमोबा से लेके सब का चेतना है, इसीलिए वो जीवित है, इसीलिए वो जीवित है, नहीं तो उसका वो जड़ है। जड़ और जीवित में यही अंतर है कि उसका चेतना है, आत्मा है तो चेतना है, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये चेतना के बारे में समझने का बहुत ही जरूरी है। शास्त्र में बोलता है, पद्म पुराण में बोलता है 84 लाख जोनिया है, 84 लाख ऑफ स्पेसिस, 84 लाख जोनिया है। तो डिफरेंट जो जोनिया आप देख रहे हैं, विभिन्न टाइप का मतलब छोटे छोटे कीड़े पतंग है, विभिन्न टाइप का, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, अगर कोई भूल हो तो त्रुटि हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा हिंदी जो है बंगाली मिक्स हिंदी है, अगर कोई गलती होगा तो क्षमा कर दीजिए, हम हृदय का भाषा है ये, तो आप अगर ध्यान से सुनेगा भक्ति भाव से सुनेगा तो हमारा गुरुदेव का मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बात यह है कि वो कीड़े पतंग जितने भी आप देख रहे हैं, जो मछली जितना भी जीव देख रहे हैं, वो अलग अलग चेतना है, किसका खाने का चेतना है, किसका सुनने का चेतना है, किसी का विभिन्न टाइप का भोग का चेतना है। जो पशु का जोनी बोला गया है उसको भोग शरीर बोला गया है, उसको भोग शरीर, वो अगर पशु अगर कोई काम करता है उसका पाप पुण्य नहीं होता। जैसे एक लायन, एक शेर आया और एक ब्राह्मण को खा गया, उसका ब्रह्मत्य का पाप नहीं लगेगा, उसका ब्रह्मत्य का पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक आदमी अगर ब्राह्मण को मारा तो उसको ब्रह्मत्य का पाप लगेगा, क्योंकि आदमी का शरीर में वो इतना कर्म कर लेता है कि उसको 84 लाख जोनिया में भरना पड़ता है। उसमें 4 लाख जो है मनुष्य जोनिया है, 84 लाख जोनिया में भी 4 लाख मनुष्य जोनिया है, और मनुष्य जोनिया कैसे मतलब डिवाइड किया गया है, चेतना को लेकर। कुछ मनुष्य तो जंगल में ही जैसे डार्कनेस में पैदा होते हैं, वहीं पे खाना वाना खा के वहीं पे वो मर जाते हैं, उनको कोई मतलब जो हमारा जो एनलाइटमेंट है उसके बारे में कोई चीज़ को पता नहीं। भारत भूमि ऐसा जगह है, ये ऐसा जगह है, यहाँ पे बच्चा बच्चा जो है आत्मज्ञान के बारे में कुछ ना कुछ सुना है, कुछ ना कुछ सुना है। आप आश्चर्य होंगे कि जो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसका नाम था, उसको आत्मा के बारे में पता नहीं था। आप आश्चर्य होंगे, जब भारत में आया, भारत में जब उसने बहुत सारा युद्ध किया तो आत्मा के बारे में सुना। उसके बाद उसने जाके अरिस्टोटल का आत्मा के ऊपर एक व्याख्या पढ़ा, उसके बाद उसका लाइफ ही परिवर्तन हो गया। वो तुरंत बुलाया डॉक्टर लोगों को, उसके पास दुनिया का विख्यात डॉक्टर था, सब डॉक्टरों को बुलाया, भैया इधर आओ, सब डॉक्टर लोग इधर आओ, बुलाया, मैं जब मर जाऊंगा मेरा शरीर को नंगा कर देना, और स्ट्रेचर होता है ना जो पेशेंट्स को ले जाते हैं उसके ऊपर सुला देना, और मेरा दो रिक्त हाथों को आसमान की तरफ कर देना, और आप डॉक्टर लोग कंधा करके जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ होते हैं, स्लम एरिया होता है, वहाँ पे आप उसको मेरे शरीर को घुमा। आप इतना बड़ा आदमी हो, आप कैसे करेंगे, क्यों ऐसा क्यों करेगा। बोलता है दुनिया को पता होना चाहिए मैंने इतना परिश्रम करके सिर्फ कचरा ही जमा किया, ये कुछ भी चीज मेरे साथ नहीं करेगा, मेरे आत्मा के लिए मैंने कुछ भी नहीं कमाया, इतना सारा चीज जो मैंने इकट्ठा किया कुछ भी मेरे साथ नहीं समझा। उसका ऐसा रियलाइजेशन हो गया, तो आत्मा के बारे में थोड़ा सा भी अगर उसका ज्ञान हो जाएगा तो उसका जीवन कंप्लीटली परिवर्तन हो जाएगा। जिसको ये पता चल जाता है मेरा मौत आ रहा है, सचमुच पता हो जाता है कि मेरा कभी भी मौत आ सकता है, उसका जीवन जो है परिवर्तन हो। युधिष्ठिर महाराज भी यही बोल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर एक आदमी देख रहा है ये आदमी मर गया, वो आदमी मर गया, वो आदमी मर गया, लेकिन वो हमेशा सोचता है मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, और प्लानिंग करता रहता है मेरा बच्चे, मेरा बिल्डिंग, मेरा वो, मेरा वो करता रहता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है, इसको बोलता है माया, इसको बोलता है माया। माया आपको जो सच्य है उसको भुला के जो झूठा की तरफ लगाता है, शरीर के तरफ अवमान कराता है। ये यंत्र है, शरीर जो है एक यंत्र है, और आत्मा है इसलिए यंत्र चल रहा है। एक बार आत्मा चला गया ये माया का यंत्र नहीं चलेगा, ठीक है। तो आत्मा अगर एक शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है उसका चेतना जो है बहुत ही सीमित हो जाता है, आत्मा का जो चेतना है वो सीमित हो जाता है। मतलब एक अमीबा का जो चेतना है, एक बैक्टीरिया का जो चेतना है, तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसका कुछ लिमिटेशन है। पेड़ के अंदर जो आत्मा है उसका लिमिटेशन है, एक शेर के अंदर जो आत्मा है उसका लिमिटेशन है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन आदमी के अंदर जो चेतना है
वो एक चीज कर सकता है, वो सोच सकता है मैं कौन हूं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए बोलता है दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरो हुए भव सुंदरे, दुर्लभ है मानव जन्म, बहुत ही दुर्लभ है मानव जन्म, बहुत ही दुर्लभ है, आप इसको नष्ट मत करो। इसलिए शास्त्र में बोला गया मानव जन्म को इतना इंपोर्टेंस दिया गया क्योंकि वो खुद के बारे में सोच सकता है मैं कौन हूँ, ये प्रश्न आ सकता है उसके पास, मेरे को क्यों कष्ट आता है दुनिया में, ये सोच सकता है, इस कष्ट से बाहर रहने का उपाय क्या है, ये सोच सकता है, दुनिया किसने बनाया उसके बारे में भी सोच सकता है, उसके साथ मेरा क्या संपर्क है इसके बारे में भी सोच सकता है, ऐसा है। इसलिए मनुष्य जन्म को इतना दुर्लभ बोला गया। तो मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए भगवान ने धर्म का, भगवान नहीं दिया है, भगवान ने धर्म दिया है, कोई भी आदमी धर्म नहीं दे सकता है, कोई भी आ गया मैं कुछ धर्म बोलूंगा नहीं हो सकता है, धर्म जो है भगवान से आना चाहिए। जो भी देखिए क्रिश्चियन की देखिए, इस्लाम देखिए और हमारा जो सनातन धर्म देखिए, तो भगवान का मैसेंजर से आया, ऐसे धर्म नहीं आता, ठीक है। तो दूसरे धर्मों में जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ, मुस्लिम हुआ, मैं तो साइंटिस्ट था साउथ कोरिया में, मेरा सब दोस्त लोग थे सब क्रिश्चियन थे, जितना साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो लोग सब नया नया क्रिश्चियन बनाए, पहले बौद्ध थे अभी क्रिश्चियन बने, ठीक है, तो वो लोग सब क्रिश्चियनिटी का प्रैक्टिस कर रहा है, बाइबल्स पढ़ रहा है। तो मेरे साथ उनका वार्तालाप होता था, जब वार्तालाप हुआ तो मैंने उनसे पूछा आप भगवान मानते हो, भगवान ही मानते हो, हाँ हाँ भगवान मानते हैं, भगवान ही मानते हैं, ठीक है तब बताओ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, तो बताओ भगवान क्या करते हैं, भगवान जी क्या करते हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संपर्क है ये बताओ। बोलते हमारा बाइबल में तो ये लिखा नहीं है, भगवान है लिखा है लेकिन भगवान क्या करते हैं, हमारा उसके साथ क्या संपर्क है ये तो लिखा नहीं है। तो बोले हमारा जो श्रीमद भागवतम है वहाँ पे भगवान है लिखा है, भगवान का क्या क्या लीला है उसके बारे में लिखा है, और आप कैसे उस लीला में प्रवेश कर सकते हो उसके बारे में व्याख्या है। तो ये तो बहुत ही सुंदर चीज है, हमको एक प्रेजेंटेशन से दिखाओ कि भगवान क्या करता है। तो हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाया लैपटॉप में और प्रोजेक्टर में, तो लोग इतना खुश हो गया कि भगवान के बारे में इतना कुछ यहाँ पे वर्णन है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है ना वो नास्तिकों को आस्तिक किए हैं, बहुत बड़ा काम है, जो भगवान नहीं मानता है भगवान है बोल के मनाना, ये बहुत ही बड़ा काम है, भगवान नहीं है और भगवान है इस स्तर में आना बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। उसके बाद है भगवान है तो मेरा क्या संपर्क है उनके साथ, नेक्स्ट स्टेप है कैसे उस संपर्क में हम स्थित हों, ये सब नेक्स्ट स्टेप्स हायर एंड हायर स्टेप्स, ठीक है। इसलिए जब हमारा सनातन धर्म का चर्चा बाहर में होता है तो क्रिश्चियंस मुस्लिम तो क्रिश्चियनिटी से ही आया है, वहाँ पे जजमेंट डे है जहाँ पे अच्छा काम किया है तो उसको स्वर्ग में, खराब काम किया तो उसको नरक में, जन्नत और जहन्नम का, ये हमारा फिलोसफी में भी है। जमराज का जब एक आदमी का मौत होता है उसको स्वर्ग में भेजना है नरक में भेजो, उसका कर्म के ऊपर निर्धारण होता है, हमारा फिलोसफी में भी है, लेकिन उससे भी ऊंचा चीज है पाप पुण्य से ऊंचा चीज है। वो क्या चीज है, जस्टिस जो है ना उससे भी ऊपर ऊंचा चीज है, क्या चीज है वो है कृपा, कृपा जो है जस्टिस से ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है फैसला कर देता है भैया आपको फांसी लगेगा, वो तो मर्सी पिटीशन भेजता है, किसके पास भेजता है, प्रेसिडेंट के पास भेजता है, अगर प्रेसिडेंट ने उसको टिक मार दिया ना, नहीं उसको माफ करो बस ये थोड़ा सा कम कर, तो उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है तो भगवान के पास क्यों नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंट के पास अगर ये पावर है तो भगवान के पास क्यों नहीं हो सकता है, भगवान भी ऐसा है दयालु है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, बोल रहा है क्योंकि आपको कितना कितना जन्म में कितना कितना पाप हुआ है उसका कोई सीमा नहीं। पाप किसको बोलता है जो वेद में वर्जित काम है उसको आप करेगा तो उसको पाप बोलता है। जैसे जीवों का हत्या वेद में मना किया गया, जीवों का हत्या आप नहीं कर सकते अपना आनंद के लिए, चावल को भी नहीं मर सकता है, दाल को भी नहीं मर सकता, कोई पेड़ को भी नहीं मर सकता, नहीं मर सकता आपके लिए, नहीं मर सकता,
फिर बोलेगा जिंदा कैसे रहेंगे भैया, अगर हम चावल दाल को भी नहीं मान सकते हैं तो जिंदा कैसे रहेंगे भैया, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो भक्ति होता है और कर्म होता है देखने में एक जैसा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे गुरुदेव ने, श्रीपाद भक्ति माधव पुरी महाराज ने एग्जाम्पल दिया है कि एक आप भारत का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे सेना खड़ा है। अगर सेना को परमिशन है, बंदूक है, ये आदमी लोग घुसने घुस करे तो उसको मार दो, ठीक है ना। लेकिन वो बंदूक देश के लिए यूज करे और उस लोगों को मारना बहुत खराब चीज है, लेकिन वो मारता है तो उसको मेडल मिलता है। इतना आदमी को मार दिया, सेना को मार दिया तो उसका इतना मतलब महान महान मेडल मिलता है, वो सब चक्र क्या क्या चक्र मिलता है। लेकिन वो बंदूक तो खुद के लिए यूज किया, किसी सिविलियन को मार दिया, किसी को भी मार दिया, तब जेलने होगा उसको, जेल हो जाएगा। ऐसा ही है, भगवान ने बोला है कि मेरे लिए मैं ये चीज लेता हूँ, चावल दाल पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, ये सब चीज मैं लेता हूँ, मेरे लिए तुम ये सब चीज मेरे लिए इनको, उसके बाद मेरा उच्चिष्ट ग्रहण करो, उसको बोलता है महाप्रसाद, उसको बोलता है महाप्रसाद, ठीक है। तो उसमें चावल भी खुश हो जाता है, चावल बोलता है मेरे को कितना दया किया है कि तुमने मेरे को मेरा प्रभु का सेवा में लगाया, चावल खुश हो जाता है। लेकिन आप खुद के लिए खाएगा ना तो चावल बोलता है मेरे को भोग किया, मैं तुमको भोग करूंगा, ये कर्म हो जाता है, मेरे को भोग किया है तुमने, मैं तुमको भोग करूंगा, तो आपको चावल बनना पड़ेगा, आप चावल को मारा तो आपको चावल बनना पड़ेगा। मीट मतलब मी ईट, मैं तुमको खा रहा हूँ तो मेरे को खाना, मांस का ही मीनिंग है, ये अच्छा चीज है, आप मैं आपको खा रहा हूँ आप मेरे को खाओ, ये अच्छा चीज है, वेरी बैड। इसीलिए भगवान ने ये बताया भगवत गीता में, यही चीज बोला कि अर्जुन देखो तुम्हारा जो जीवन है, तुम अभी जो सोच रहे हो, तुम्हारा चीज तुमको खुद को सेंटर में रख के सोच रहे हो, अब उसको छोड़ो, अब तुमने मेरे को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, अब मेरे को सेंटर में रख के तुम सोचो मेरे का क्या इंटरेस्ट है, मेरे को सेंटर में रख के सोचो। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्तदस्तु, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्तदस्तु। तो मतलब कोई भी साधु को कैसे, जो सचमुच साधु है, भ्रष्ट साधु नहीं होता, भ्रष्ट साधु नहीं होता है। कलयुग का जीव जो है उसका शास्त्र है ज्ञान नहीं है, वो जो भी इस लाल ड्रेस पहनता है साधु सोचता है, कोई भी ब्राह्मण का खेत डालता है उसको ब्राह्मण सोचता है, ये कलयुग का जीव का नेचर है, मंदमति है, मंद भाग्य है, इसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन साधु को कान से देखा जाता है, साधु को कान से देखा जाता है, शास्त्र बोलता है साधु को कान से देखा जाता है, ठीक है। और साधु जो है खुद साधु नहीं बन सकता, दूसरा एक साधु उसको साधु, एवं परंपरा प्राप्तम राजस्य विदु बोलता है, ये जो नॉलेज है परंपरा में प्राप्त हुआ है, भगवत गीता में कृष्ण बोल रहा है बिना परंपरा का कोई भी साधु नहीं बन सकता है, ये बाबा वो बाबा बनने से नहीं होगा। कौन सा पहला चीज हम शास्त्र में ही पूछते हैं, कोई भी आया तो आप कौन सा परंपरा के हो भैया, पहला प्रश्न ये पूछना पड़ता है। जैसे आप कोई भी डॉक्टर बैठ गया क्लिनिक में, आप नहीं पता करोगे कहाँ से उसने डिग्री प्राप्त किया है, ट्रेनिंग वेनिंग है कि नहीं, आपका प्रश्न को उसको सौंप रहे हो ऑपरेशन करेगा, पूछोगे नहीं तो जानोगे नहीं, किसी के पास भी चले जाओगे। कोई भी किसने किताब पढ़ लिया, भैया मैंने ब्रेन के ऊपर किताब पढ़ा है आपको ऑपरेशन करूंगा, जाओगे आप, मैंने ब्रेन का किताब पढ़ लिया सब आपको ऑपरेशन करूंगा, जाओगे। कोई भी किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं हो सकता है, ऐसे ही कोई भी शास्त्र पढ़ के साधु नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। देखो इतना बड़ा बड़ा ज्ञानी मेधावी है वो सब साधु बन जाते, नहीं हो सकता, आपको दूसरा साधु के अंदर में ट्रेनिंग लगेगा जो ऐसा साधु है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्तदस्तु, मतलब पहले प्रणिपात करना पड़ता है, कृष्ण बोल रहा है तत्विधि प्रणिपातेन, उसके बाद सेवा करके उसको पूछना पड़ेगा। जैसे परीक्षित महाराज ने कहा दंडवत प्रणाम करके सुखदेव महाराज जी को सेवा करके पूछा, प्रभु मेरा मनुष्य जन्म है, 7 दिन का आयु है, क्या करना है जो मेरा जन्म सफल हो। आदमी बुरा आदमी है, लेटा हुआ है, आप इंजेक्शन दे दोगे उसको मार दोगे, आप उसको वैसे जिंदा कर सकते हो क्या, क्या अधिकार है आपको मारने का,
आप अगर जान नहीं दे सकते उसको मरने का क्या अधिकार है? आपको बुरा लग रहा है आप उसको मार दोगे। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी फैल रहा है धीरे धीरे, हम उसको खंडन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके, हम बोल रहे हैं आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये साधारण चीज नहीं है। किसी भी बच्चे को खा लिया, आदमी का बच्चे को मैंने केमिकल खाया, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बड़ा प्रॉब्लम है। शरीर का ज्ञान है बहुत ही डेंजरस है, शरीर का ज्ञान बहुत ही डेंजरस है। इसमें से ही सारा हिंसा आता है, सारा हिंसा जो देख रहे हो शरीर का ज्ञान से। आत्मा का ज्ञान आ गया, कोई हिंसा नहीं रहेगा, सब में प्यार रहेगा। क्योंकि हर एक आत्मा जो भगवान का अंश है, हर एक आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का दास है। कैसे आप किसी भी आत्मा को तकलीफ में डाल सकते? इसीलिए जो साधु होता है वह दुखे दुखी होता है, दूसरों का दुख में दुखी होता है, उसको सहायता। लेकिन हम लोग क्या है, उल्टा है। किसी अगर दुख चला बहुत असर, ताली बात बढ़िया, ठीक है ना। कंपटीशन का जीवन है, आजकल तो कंपटीशन है, कंपटीशन का दुनिया है। IIT में 5 मार्क 2 मार्क कम होता है तो आदमी सुसाइड कर लेता है। सोचिए कैसा हो गया लाइफ, इतना टेंशन भरा लाइफ हो गया है। एक एक पैसा के लिए आदमी इतना टेंशन लेता है, ठीक है ना। जो कि अलेक्जेंडर ने बोला, इतना पैसा कमाया उसने, बोला कचरा है, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, शरीर का ज्ञान के वजह से हम लोग सब तकलीफ में है। 3 टाइप का तकलीफ है हमारे पास, आप यहाँ से याद रखिए। हर एक जीव 3 टाइप का तकलीफ फेस कर रहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब नेचुरल कलामिटी आया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कष्ट होगा, ठीक है। आदि भौतिक मतलब दूसरा जीवों के मतलब प्रभाव से कष्ट आता है, मच्छर आ गया, डेंगू, मलेरिया, आपका घर वाले आपको तकलीफ में डाल रहे हैं, आपका बच्चा आपको तकलीफ में डाल रहा है, आपका दोस्त आपको तकलीफ में डाल रहा है, बहुत टाइप का जीव है जो आपको तकलीफ में डाल रहे हैं, ठीक है। आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्या है, आपका मन और आपका शरीर प्रॉब्लम में डाल रहा है, ठीक है। ये 3 टाइप का तकलीफ हर एक जीव भोग रहा है। इसीलिए कृष्ण जो है जीवों को उद्धार करने के लिए हर एक जन्म में, हर एक युग में आता है जीवों को सहायता करने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं है कि कोई साधु नहीं है, असाधु नहीं है, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहा है साधु और असाधु। ऐसा है इस जगत में है, उस जगत में नहीं है, भगवान के जगत में नहीं, इस जगत में है। इस जगत में जो जीव क्वालिफाइड होता है वो प्रार्थना करता है भगवान को, इसका सुकृति हो गया। सुकृति क्या बोलता है, सुकृति किसको बोलता है, जो काम आप भगवान और भगवान का निजजन के लिए किया है, जो काम आप भगवान और भगवान का निजजन के लिए किया है वो सुकृति। जैसे पेड़ है वो भगवान के लिए कुछ भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भक्त गया पेड़ से एक फूल निकाला और भगवान को दे दिया तो पेड़ का सुकृति हो गया, उस पेड़ का फूल भगवान के चरण में चढ़ा। भक्त जा रहा है, धूप है, पेड़ के नीचे बैठ गया, भक्त का सेवा हो गया, तो उसको सुकृति हो जाता है, उससे उसका उन्नति हो जाता है। तो जिसका सुकृति है इसको बोलता है भक्ति उन्मुखी पुण्य। 2 टाइप का पुण्य है, भोग उन्मुखी पुण्य, जिस पुण्य करने से आपका भोग बढ़ते रहते हैं, संसार का बंधन बढ़ता रहता है, ठीक है। और जिस टाइप का पुण्य करने से, जैसे भोग उन्मुखी पुण्य किसको बोलता है, खाना दिया किसको, किसको कपड़ा दिया, ये सब बोलते हैं भोग उन्मुखी पुण्य, इसको बोलते हैं भोग उन्मुखी पुण्य। तो भक्ति उन्मुखी पुण्य है भगवान और भगवान भक्तों का जो सेवा में लगा वो भक्ति उन्मुख होगा, ठीक है। आप उनको सहायता किया आपका भोग बढ़ेगा। भगवत गीता में यही बोल रहा है कीने पुण्ये मत लोके विशालम, जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से मत लोक में आएगा। ये अच्छी चीज नहीं है, आपका परमानेंट पोजिशन नहीं प्राप्त हो रहा है, पुण्य का खत्म होगा फिर से आना पड़ रहा है, ये तो डेंजरस पोजीशन है। इसीलिए जो भक्ति उन्मुख पुण्य को हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, भगवान और भगवान को भक्तों का जो सेवा में लगता है वो बोलता है भक्ति उन्मुख पुण्य। अंतर है उसमें, जिसका सुकृति होता है उसी का विश्वास आता है। भीष्म पितामह जब सारे छोड़ रहे हैं सज्जा में है, जो उन्होंने बाण मारा था अर्जुन ने सैया में है, जो धनुष बाणों का जो सैया है वहां पे सोए हुए हैं, इच्छा मृत्यु था उनका, इच्छा मृत्यु था, तो प्राण छोड़ने से पहले युधिष्ठिर महाराज को उपदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं
महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यम ऋतम राजन विश्वास नैव जायते। महाप्रसाद गोविंद नाम भगवान का जो नाम है ब्राह्मण है और वैष्णव में जो कम पुण्य वाला आदमी होता है उसका विश्वास नहीं आता है। बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को उपदेश कर रहे हैं, समझ में आपको? तो हमको ऐसा पुण्य का प्रैक्टिस करना चाहिए जिसमें भगवान और भगवान का भक्त का सेवा होता। जो आजकल जो उल्टा पुल्टा बोलता है लोगों को मानव सेवा भगवान सेवा ऐसा कुछ कुछ बोलता है ना, मानव ही भगवान है, ये सब गलत चीज है। शास्त्र में नहीं लिखा गया। कर्ण जो था, जो कर्ण था वो बहुत बड़ा दानी था, है नहीं? लेकिन उसको असुरों में गिना जाता है। ऐसा पुण्य हम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है, ऐसा पुण्य हम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है। हम लोग भक्ति उन्मुख पुण्य को प्रैक्टिस करते, जो भक्ति हमको बढ़ाए ऐसा पुण्य को प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा पुण्य आपका बंधन ही बढ़ाएगा, कर्म है तो बंधन बढ़ाएगा। कर्म बंधन, कर्म बंधन का फल है नरक यंत्रणा। कर्म बंधन में हमको नहीं फंसना, हमको भक्ति उन्मुख पुण्य का प्रैक्टिस करना, जैसे भगवत कथा सुनना, ये भक्ति उन्मुख पुण्य। इसीलिए भगवान ये सब चीज सिखाने के लिए युग युग में आता है। भगवान सत्ययुग में भी आया था। सत्ययुग में जो लोगों का आयु था वो 1,00,000 साल, 1,00,000 साल सोचिए। वो लोग बहुत खट्टे खट्टे और लंबे लंबे थे, ठीक है ना? तो उस टाइम का जो भगवान को प्राप्त करने का जो पद्धति था, ध्यान था, विश्वामित्र मुनि था, उसने 33,000 साल तपस्या किया था, 33,000 साल, ठीक है ना? लेकिन जब सत्ययुग से त्रेता युग आया 10 गुना घट गया, घट के हो गया 10,000 साल। तो 10,000 सालों में भगवान को प्राप्त करने का प्रोसीजर ध्यान नहीं रहा, यज्ञ रहा। उस टाइम रामचंद्र भी आए, उन्होंने खुद बहुत सारे यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पशुओं को मारा जाता है यज्ञ में। वही आदमी यज्ञ कर सकता है जो एक बूढ़ा जीव को मार के उसको नया शरीर दे सकता है, उस आत्मा को। वही यज्ञ कर सकता है, दूसरा आदमी यज्ञ नहीं कर सकता। एक बूढ़ा गाय है, उसको मारा तो इमीडिएटली उसको अच्छा शरीर देना पड़ेगा, गाय से ऊंचा शरीर, नहीं तो गाय का यौवन शरीर देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकता है तो यज्ञ नहीं कर सकता, ये था विधि। तो ऐसा बहुत सारा यज्ञ होता था। उस टाइम में ब्रह्मचर्य पालन करते थे ब्राह्मण लोग, उनके पास क्षमता था तो ऐसा यज्ञ होता था। लेकिन जब द्वापर युग आया फिर से 10 गुना घट गया। उस टाइम में आदमी लोगों का आयु हो गया 1,000 साल। 1,000 सालों में ना ध्यान कर सकता है, ना आप यज्ञ कर सकता है, और ना आप कोई भी टाइप का, मतलब जो पहले का जो सिस्टम था ध्यान यज्ञ का, वो अश्वमेध गोमेध ये सब नहीं कर सकता। इसीलिए उस टाइम का जो पद्धति हो गया अर्चन, मंदिरों में विग्रह का बहुत अच्छा मंत्र से और नियमों से अर्चन होता था, अर्चन से भगवान का प्राप्ति होता था, ठीक है ना? लेकिन जब कलयुग आया और 10 गुना घट गया, अभी 100-200 साल ही बस, ऑर्डर ऑफ 100 ईयर्स। उस समय में ना आप ध्यान कर सकते हो, ना आप यज्ञ कर सकते हो, हमारे पास क्षमता भी नहीं है कि जीव को मारे। और हम लोग तो शरीर ही सोचते हैं, खुद हम तो खुद को शरीर सोचते हैं, आत्मा को नया शरीर में देने वाला तो दूसरा चीज है। हम लोग आजकल एजुकेशन ही ऐसा हो गया है कि आप लोग शरीर को ऐसा एजुकेशन होता है, ठीक है ना? तो इस टाइम में ना आप यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना अर्चन कर सकते, कोई भी नियम पालन करके इतना अच्छा पूजन आदि नहीं कर सकते। इसीलिए इस युग में व्यासदेव ने लिख दिया, द्वापर युग में लिखा, क्या लिखा? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवल कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोला जाता है जो शास्त्र में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। 3 बार बोला गया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवल कलो नास्तेव 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 गति। 3 बार हरिनामी 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 एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोला गया, तभी भी जीव इतना मूर्ख है, अभी भी ध्यान करता है, अभी भी उल्टा पुल्टा यज्ञ करता है। एक्चुअली अभी का नहीं मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम में जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था उस टाइम में भी ऐसा यज्ञ का बंदोबस्त किया गया था। लोगों का बहुत यज्ञ करता था,
और उसको को मार के खाना था, भोग के लिए यज्ञ करता था, कोई भी जीव को नया शरीर नहीं देते। भगवान जो है बहुत दयालु है, भगवान को बस ये नहीं कि आप मनुष्य हो, वो चीनी है, वो बैक्टीरिया से नहीं है। भगवान सोचते हैं ये मेरा अंश है और मेरा अंश कितना कष्ट दे रहा है। भगवान स्वयं आ गया, बुद्ध के रूप में आ गया, भगवान बौद्ध के रूप में आ गया, बोला आप लोग क्यों शास्त्र को जो पहले जो वेद में लिखा गया था, तो वेद में जो यज्ञ करने के वाला बोला उसको क्यों मानता है? आपका बुद्धि का यूज करो, आपका बुद्धि का यूज करो, ये सब बोल दिया। इसलिए रैशनल वर्ल्ड प्रारंभ हुआ वहां से, बौद्ध धर्म। भगवान ने यज्ञ को बंद करवा दिया, भगवान ने जीवों को रक्षा करने के लिए यज्ञ को बंद करवा दिया पूरा, और सब नास्तिक हो गए। बौद्ध धर्म है, भगवान ने जानबूझ के ये किया, नास्तिक कर दिया पूरा भारत जो है बौद्ध हो गया, पूरा सारे तरफ बौद्ध धर्म फैलने लगे, ठीक है ना, सब बौद्ध हो गए, ठीक है ना। सब बुद्धि यूज करके बोलते कोई आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य बात के पास कर दिया, ठीक है। जब ये यज्ञ सब बंद हो गया सब तरफ, तब भगवान ने शिव को बोला अब तुम जाओ, अब तुम एस्टैब्लिश करो कलयुग का जो धीरे धीरे प्रोग्रेस है ये धर्म का, भगवान ये सब करा रहा है, भगवान अगर नहीं करेगा तो जीव का कोई उपाय नहीं है। जीव इस संसार में क्यों आया? क्योंकि वो भगवान से कंपटीशन करना चाहता है। इस संसार में क्यों आया? बोले भगवान भोग कर रहे हैं, हम क्यों भोग नहीं करेगा? भगवान तो खुद भोग कर रहा है, हम क्यों भोग नहीं करेगा? भगवान ठीक है भोग करो जाओ, भगवान दे दिया। लेकिन हमारा पोजिशन देखो, भगवान कितना खाना खाता है, कितना सारा भक्त कितना खाना देता है, सब भगवान खाता है। हम लोग जो कुछ खाते तो हम पेट भर जाता है, हम नहीं खा पाता। भगवान जो गोवर्धन खाते हैं कुछ नहीं, जैसे बच्चा जो है एक थोड़ा सा मशरूम जो होता है ना खाता है, छतु होता है उसको, जैसे कहता है ऐसे, ठीक है। 3 दिन का आयु था उसने इतना को मार दिया, और द्वारका में ऐसा परिवार उन्होंने लीला किया, अब आश्चर्य हो जाएंगे। 16,108 पत्नियों के साथ उन्होंने शादी किया, ऐसे नहीं कि एक पत्नी के साथ एक दिन और दूसरे पत्नी के साथ एक दिन, हर एक पत्नी के साथ रहा हो, ऐसा नहीं है। फिर हर एक पत्नी का 10-10 लड़का था, हर एक पत्नी का 10-10 लड़का था, और हर एक लड़का के साथ भी था, और हर एक लड़का का भी 10-10 लड़का था। भगवान की फैमिली का सोचो, कर सकता है कोई भी आदमी जो खुद को भगवान सोचता है, बोलता है लोगों को, सोचो आप ऐसा मूर्ख है तो उसको भगवान मानता है, कर सकते हैं सब चीज। इतना बड़ा परिवार ही उन्होंने लीला करके दिखाया भगवान क्या चीज होता है, ठीक है। जब अर्जुन जोशोदा मैया को दिखाया कि सूरज चंदा सब कुछ उसके अंदर है, अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया वो पागल हो गया, प्रभु इसको बंद करो, भगवत गीता में दिखाता है जब, सोचो। तो आप इतना कुछ करने के बाद जीव अभी भी ये सोचता है कि मैं भगवान बन सकता, तो ऐसा चीज क्यों सोचता है? क्योंकि भगवान से कॉम्पिटिशन करने का उसके इरादा है, तो भगवान ऐसा उसको देता है, उसको मौका देता है, जाओ तो भगवान बनने की कोशिश करो, तो उसको कुछ आनंद आता है जीव को, ये भगवान को बोलने का कुछ आनंद आता है जीव। तो शंकराचार्य को बोले, भगवान शिव को भेजा शंकर आचार्य बना के, बोलो वो क्यों सोचता है कुछ नहीं है, बोलो सबको, बोलो भगवान है। तो उसने बोला अहम ब्रह्मास्मि, इसका प्रचार कर दिया उसने, अहम ब्रह्मास्मि, सब खुश हो गया मैं भगवान है। बौद्ध धर्म को यहाँ से पूरा विनाश कर दिया, शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को विनाश कर दिया, कोई भी बौद्ध नहीं रहा। शंकराचार्य जब आया बहुत चला गया, पूरा भय के मारे चला गया, शंकराचार्य का फिलोसफी एस्टैब्लिश हो गया। उसको बोलता है मायावाद, जो रामकृष्ण मिशन ये सब फॉलो करता है, मायावाद बोलता है उसको, जितना भी ज्ञान मार्गी है वो इसको फॉलो करते हैं, मतलब जो ज्ञान से भगवान को जानने की कोशिश करता है, ज्ञान से जो भगवान को जानने की कोशिश करता है, लास्ट में सोचता है मैं ही भगवान, क्योंकि हमारा बुद्धि इतना सीमित है, भगवान अनंत है, हम खुद रहे, हमारा बुद्धि इतना सीमित है, हम ये भी पता नहीं कर सकता है इस ब्रह्मांड का कहाँ प्रारंभ है कहाँ अंत है। ये ब्रह्मांड सोचो, भगवान का जगत तो अनंत है, ब्रह्मांड का कहाँ प्रारंभ है कहाँ अंत है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ हम नहीं बदल सकते। भगवान तो बहुत ऊंचा चीज है, एक आटम को हम श्रेणी नहीं कर सकते, एक छोटा सा आटम को हम श्रेणी नहीं कर सकता है, हमारा बुद्धि इतना सीमित है, हम बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये शंकराचार्य ने जब प्रचार कर दिया हम ब्रह्मास्मि, उनका जो हो गया लास्ट में, शंकराचार्य ने उनके शिष्य को ये बताया, भज गोविंदम मूढ़मते, सबको बोला वे भगवान हो पहले लास्ट में, लेकिन उन्होंने बोला मूढ़गान, उनका तो कार्य हो गया बुद्ध को डिफीट करना, लास्ट में ये गान रचना करके सबको बोल के गया,
वो मूढ़गण भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मध्य गान है। आप समझाने के गाने कभी भी सुने होंगे, ठीक है, सबको बताया वो मूढ़गण गोविंद का भजन करो, क्योंकि सिख जो है वैष्णव नाम है था संगो, वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव है सिख। शिव का दो टाइप का पूजन होता है, एक असुर पूजन करता है शिव को भोग के लिए, दूसरा जो है वैष्णव, वैष्णव जो है उनको वैष्णव मान के पूजन करता है। अर्जुन भी भगवान शिव का भक्ति किया था, उनको वैष्णव मान के, विष्णु का भक्ति कृष्ण का भक्ति प्रदान कर सकता है, इसीलिए उनका जो पूजन करता है वो भक्त है। जो असुर होता है शिव मेरे को शक्ति देगा, कुछ भोग विलास का सामान देगा, वो होता है असुर, ठीक है ना। दो टाइप का वर्षिप होता है। जब शिव ने हलाहल पान किया था तब देवताओं ने उनका पूजन किया था, असुर भी उन्होंने पूजन किया था। असुर ने कैसा पूजा किया शिव को, दारू मदिरा भांग ये सब डाल के पूजन किया शिव, ठीक है, उसको बोलते हैं भूतनाथ, शिव के सब नाम है रुद्रेश्वर, असुर का पूजन किया, ठीक है ना। और जो देवतागण कैसे पूजन किया, भगवान का महाप्रसाद से उनका पूजन किया। भगवान शिव जो है भगवान का महाप्रसाद के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। जो कृष्ण का प्रसाद देता है, आप लिंगराज गए होंगे, भुवनेश्वर में लिंगराज है, एक्चुअली कृष्ण के टाइम में कृष्ण ने काशी को नष्ट कर दिया था, तब शिव ने